देख सकते हैं आप यहाँ मैडम, ऐसे ऐसे कई तो दुकान है जहाँ आप ना जो जोर से खींचने से वो टूट जाते हैं। अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों देख, अगर हम चिपका सकते हैं कुछ बोलिए, कुछ तो बोलिए। ज्यादा ही अच्छा है, और शॉपिंग करें ठीक है, इसके ज्यादा पास मत जाएं। घोड़े बोला इस वीडियो ले लो। तो दोस्तों अगर आपको ब्रेसलेट अगर पहनना है तो आप देख सकते हैं ये 60 रुपये है और ये 20 रुपये है। तो भैया की दुकान आप लोग जरूर आइए, यहाँ अच्छा सामान आपको मिल जाए। चूड़ी है, चूड़ी का दुकान लगा हुआ है, अच्छा अच्छा रेट में मिल जाएगा आपको। 2-4, 2-2, 2-6 हर साइज का चूड़ी यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेना कुछ अलग ही बात है। 20 रुपये दे दो, 20 रुपये। हम संख खरीदने के लिए आ गए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रेट होने के कारण हम यहाँ से जा रहे हैं। इधर हम आगे बढ़ते हैं इस मार्केट की ओर। ये पेन ले लो, बच्चों वाला। उधर है ना बैग वैग, सब सामान आपको मिल जाएगा। या क्या रेट का है? भैया आप लोग यहाँ कितना टाइम तक लगाते हैं? 10:30। 10:30 बजे के बाद बंद। तो यहाँ के किराया वराया भी देते हो क्या? किराया भी देते हैं? मैं रेंट वगैरह भी देते हो क्या यहाँ? हाँ। कितना? 40 से 41। यहाँ पर मैडम ने ले लिए हैं अपने भतीजी के ले लिए हो ना मैडम? ठीक। तो मैं मार्केट आ गया हूँ और यहाँ का जो व्यू देख रहे हैं बहुत ही शानदार है। गीला हो गया तो पूरा रेत भर गया, एकदम भारी लग रहा है। तो दोस्तों आप ना चप्पल पहन के यहाँ बिल्कुल भी मत आओ अगर घूमना चाहते हो तो, ठीक है। दुकान बंद होने वाला है, 9-9:30 बजे तक बंद हो जाएगा, इसलिए आप लोग जो भी सामान वगैरह लेना रहता है तो आप लोग 9-9:30 बजे से पहले आप लेना, ठीक है। मतलब कि ये लाइट में लोगे तो घूमेगा जी, ऐसा है। देख सकते हैं यहाँ संजीत भगत जी शंख लेते हुए। भैया एक बार और बजा के दिखाओगे क्या? खराब कुछ नहीं, एक बार बजा के दिखाइए। एक लड़की है उसके लिए लड़की को हम लोग टूर में आए हैं, सारे लोग जो हैं ऑफिस से। हाँ। मेरे साथ जो मेरी दो कलिंग जी की अभी अभी नियुक्ति हुई है जी सर, अभी अभी ऑफिस में भर्ती हुए जी, छोटी छोटी बच्चियां हैं। हाँ। वो कहाँ हैं, कैसे हैं, मेरे को चिंता में रहता है। अच्छा। तो उनको खोजते खोजते यहाँ तक पहुँचा हूँ जी, अब अभी उनसे मुलाकात हुई जी सर जी।
ये कहाँ है, कैसे है, किस हाल में है जी। क्योंकि ये बच्चियाँ जो है सारा समुद्र देख करके, सारा मार्केट देख करके इतने एक्साइटेड हो गई हैं जी कि कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं जी जी। मुझे इनको खोजना पड़ता है। अच्छा ठीक है सर, तो आपको यहाँ आके कैसे लग रहा है? आप इतना दूर से आए हैं, बिलासपुर से आए हैं। मैं मतलब भगवान जगन्नाथ जी का जी इतना प्रभाव रहा है मुझ पर जी, तो मैं लगातार कई वर्षों से आता रहा हूँ जी। कई वर्षों से करते करते जो है लगभग मैं 6-7 टाइम जी जगन्नाथपुरी आ चुका हूँ जी। किंतु आज इस बार जी, आज नहीं इस बार जी, इस ट्रिप पे जो अनुभव सबके साथ मिला जी, आज हम लोग जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए लगभग जो है 22 लोग आए हुए हैं जी सर ऑफिस से। अच्छा, और इसमें जो है सबको एक साथ में घूमना, एक साथ खाना, एक साथ बैठना, एक साथ सुबह उठना, फिर गाड़ी किराया करके वो उसी ट्रिप पे जाना, बहुत एकदम मनमोहक है जी। बहुत मजा आता है। और मैं ये सलाह दूंगा कि हर व्यक्ति ऐसा मतलब ग्रुप से जुड़े, अपने कलिंग से जुड़े, सबसे जुड़े, बहुत आनंद आता है। उसके साथ में जो आज जगन्नाथपुरी भगवान, मैंने 6 बार में जो मैं आया था, मैं जहाँ जहाँ पर नहीं गया, जहाँ जहाँ पर मैंने दर्शन नहीं किया था, मैं आता था भगवान के दर्शन करके चले जाता था जी, वहाँ वहाँ पर आज हो सकता है मेरे कलिंग लोगों के सौभाग्य से जो है जी, आज मैंने वो जगह देखा, सारा चीज जो है पूरा जो। तो सर आप बोल बताइए, यहाँ जो मार्केट लगा है उसके बारे में मेरे को थोड़ा सा बताइए। देखिए यहाँ के मार्केट अब ऐसा है कि यहाँ मार्केट लगता है शाम को 5 बजे के बाद जी, और यहाँ के मार्केट वाले यहाँ पर विभिन्न देशों मतलब विभिन्न प्रदेश से, राष्ट्र के अंदर में और कहीं कहीं पर विदेश से लोग आते हैं जी। और यहाँ का देखिए, ये जगन्नाथपुरी का जो शहर है, पूरी जो शहर है जी, यहाँ पर कमाई का माध्यम सिर्फ एक दुकान है, एक बिजनेस है जी जी जी। यहाँ पर न कृषि की भूमि है जी, न किसी चीज़ की भूमि है जी। तो यहाँ के लोग कब कहाँ करें, इनको जीविका अर्जन, अपना जीविका यापन करना है जी, अपने बाल बच्चों को परवरिश करना है, इसलिए हर व्यक्ति यहाँ का लगभग मैं बोलूँगा 95% जो है जी, 95% बिजनेस से हुए हैं जी, और सारे लोग बिजनेस करते हैं, सारे लोग जो है बिजनेस करते हैं यहाँ। ठीक है सर, का जो सिस्टम जो है जी सर बहुत अच्छा है, बहुत शानदार जो है, बहुत अच्छा करते हैं, और रात में एकदम पूरा चमका देते हैं गोल्डन बीच को। ठीक है सर, ओके ओके सर, बाय। भैया आपका कौन सा दुकान है? भैया चूड़ी का क्या रेट लगाए हो? नहीं नहीं बैठ के ही बता सकते हैं। हमारा 180 से स्टार्ट है। ये ओरिजिनल शंखा चूड़ी है ना? तो दोस्तों आप यहाँ शंखा चूड़ी के लिए अगर लेने के लिए आने वाले हैं, यहाँ आए हैं, तो शंखा चूड़ी लेकर जरूर जाइए, क्योंकि यहाँ भैया के पास ओरिजिनल शंखा चूड़ी मिलता है। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना रुपये पीस, ये वाला 150, ये वाला 450, ये वाला 180, ये वाला 250। चलिए भैया धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब खाते हैं। 100 भैया रील बनाने दे। अरे तुम गिरा क्या चीज़ है भाई? पकौड़ी का चिकन पकौड़ा 10 का 100 रुपया। दोस्तों हमारे वीडियो में आपको बता रहे हैं ऑक्टोपस। अरे प्रॉन तो खाएंगे मधु, चल 150 दो। चिंगड़ा कैसा है भैया? इसका भैया 100 का 8 पीस। ये बोलिए अच्छे से बोलिए। ये वाला भैया 100 में 8, और भी बड़ा लेंगे 100 में 4। टेस्टी कौन सा बनाओ गाइस? आप देख सकते हैं हम भैया के पास आए हैं। अरे बंद कर करना, दे दो भैया, दे दो प्लीज भैया, दे दो 10 पीस करिए ना भैया। अरे दादा ऐसे करो ना भैया। देख सकते हैं यहाँ झींगा हम लोग खा रहे हैं, कितना बड़ा पीस, बहुत बड़ा पीस जी। ये कैसे लग रहा है? टेस्टी है ना दोस्तों? ये वीडियो में छोटा जरूर दिख रहा है, लेकिन जब आएंगे ना आप देख के ना पूरा दांतों तले उंगली दबा देंगे, इतना बड़ा है, इतना टेस्टी है कि वेजिटेरियन में नॉन वेजिटेरियन बन जाए। सही बोल रहे हो।
तो हम लोग पूरी बीच से हम खाने के लिए निकल गए हैं और रोड किनारे ये देख सकते हैं कैसे दुकान लगा हुआ है, यहाँ से आप खरीद सकते हैं भजिया। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, चल यंग देखने सकाल बेला दादा ओके दादा बोले दीजिए हमारे गवर्नमेंट का ऐसे चुप किया होगा जो भी बोले।